एटलीस्ट उन लोगों से अच्छे से बात करो जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे कुछ गलत करने से तुम्हें रोक टोक करते हैं। आर यू श्योर शनाया कि ये सिर्फ एक झगड़ा है? पलकी और शौर्य के बीच में कहीं प्यार तो नहीं? स्टॉप इट, नॉट अ सिंगल वर्ड। आर यू मैड? शौर्य और पलकी से प्यार करेगा? ओ प्लीज, यू नो व्हाट, शौर्य जब भी पलकी को देखता है ना, उसका ब्लड बॉइल होने लगता है। प्यार करने की बात कर रही है कुछ भी? शनाया तू फिर इतने आ गई? चल नीचे चल, ऐसे चंगा नहीं लगता, वहां सब नीचे और तू इतने। जिसमान मैंने बता दी। So you tell me, मीरा, तेरे कुछ स्क्रू ढीले हैं क्या? यहाँ वहाँ गिर गए हैं क्या? कुछ भी बोली जा रही है, तेरी हिम्मत कैसे ये बोलेगी कि शौर्य पलकी से प्यार करता है? क्यों बोला? मुझे जैसा लग, तू इतने की कर रही है? वो भी इतने सादे सुने कपड़ों में। अरे आज कार में मेहंदी है, तुझे यहाँ आना ही था तो अच्छे कपड़े पहन के आती। पीजी प्लीज, ये इतने भी सादे सुधे कपड़े नहीं है, टंकी लग रही हूँ मैं। टंकी? तू तो पूरी बडंगी लग रही है। तैनू पता है ये किसका कार है? करण लुथरा का, लुथरा हाउस, शहर के ना सबसे अमीर कार। तू ना ऐसे कपड़ों में अगर नीचे जाएगी ना, तू ना सबसे ज्यादा गरीब लगेगी। अरे तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी शनाया की ना नाक कट जाएगी, बोलेगी कैसी दोस्त है, इसके पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं है। बस पीछी बहुत हो गया, बहुत इंसल्ट कर लिया आपने मेरी। अमीर नहीं है तो क्या हुआ, ये कुछ भी बोलेंगी? और वैसे भी आप कौन से बहुत अमीर हो? की बोली, तैनू पता है मेरी शनाया ना अरबोपति की पत्नी बनने वाली है। जानती हूँ कैसे बनने वाली है, बताया उसने, इतने बड़े घर में शादी होगी तो बनी जाएगी। पर ना आपके पास इतने पैसे का, लेकिन मैं देख रही हूँ कि लुथराज के पैसों पे आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। देख एक शब्द और बोली ना किच किच पेड़ मारेंगे। तू बीजी की बेइज्जती कर रही है? तनु बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? और ये शनाया शनाया क्या लगा रखा है? तेरे और शनाया में ना अब राजा और रंग की दूरी आ गई है। किथे मेरी शनाया, किथे तू? दादी बस करो। बीजी ऐसी बात है ना कि आपकी पोती ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। अरे अगर उसने बुलाया भी है तो ढंग के कपड़े पहन के आती ना। दादी प्लीज बस करो यार। बस बहुत हो गया, आई एम गोइंग। मीरा स्टॉप, पागल है क्या यार तू? कहाँ दादी की बातों में आ रही है? जस्ट इग्नोर हर, तू मेरी बात सुन, जाए तो दी। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ और अभी तक हमारी बात पूरी भी नहीं हुई है। या एग्जैक्टली, यू आर राइट, हाँ पीछे मत बोलना। मीरा यस, हमारी बात पूरी नहीं हुई है तो प्लीज मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दे दे कि तूने ऐसा क्यों बोला कि शौर्य पलकी को प्यार करता है? शनाया पुत्र ये सारी बातें बाद में कर लेना, चल पहले नीचे चल। नो दादी, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अभी इसी वक्त यहीं पे चाहिए। तू प्लीज मुझे बताएगी कि तूने ऐसा क्यों बोला कि शौर्य पलकी को प्यार करता है? प्लीज टेल मी यार। अरे जवाब तो यही देगी ना? हाँ तो देने तो दो ना यार उसको। आपके बोलने से ना कभी नहीं दूंगी। देख मेरा पुत्र, मेरी ना उम्र हो गई है, थोड़ा भूल जाती हूँ, तू ना गुस्सा तो दे और इसकी बातों के ना जवाब दे दे। हाँ प्लीज यार। ओके फाइन, ये सवालों के जवाब भी ले लेना और जहाँ से खत्म किया वहां से शुरू भी कर लेना। पर पुत्र पहले ना नीचे चल, देख नीचे ना बड़े सारे हंगामे हो रहे हैं, पर ऐसे चंगा नहीं लगता ना, कोई देखेगा कोई सोचेगा, अरे तू इस कार की नूह है और सारे लोग नीचे हैं और तू यहाँ पे, चंगा नहीं लगता। चल तू पहले नीचे चल, और मेरा पुत्र तू भी ना घर जाके ना कच्ची सी फंक्शन वाली ड्रेस पहन के आ जा, और जब तक मेरा घर जाके ना त्यार श्यार होके आती है ना, तब तक तू भी नीचे एक फेरा मार ले। और देख नीचे ना बड़े सारे स्यापे हो रहे हैं, किसने क्या बोला क्या किया, पर तू ना कोई जवाब नहीं दी, तू तो चुप करके खड़ी रही। हाँ मेरा कहने का मतलब है ना, ऐसे मोम की गुड़िया बन के भी ना खड़ी रहना, थोड़ा सर हिला देना, हाँ जी माँ जी ना जी है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तू चल हूँ पहले नीचे चल, फिर मेरा पुत्र तू भी ना घर जाके ना एकदम पंडान के वापस आ जा है? है, चल आ जा। चल आई विल सी यू सून, तो जल्दी आ रेडी होके। हाँ फाइन, आओ दादी। क्या हुआ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह गॉड, यहाँ तो कुंडली भाग के अलग ही जोड़ियाँ बना रहे हैं राजवीर और पलकी। पलकी ना 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 ना, मुझे तो लगता है शौर्य जाता है उसकी जोड़ी पलकी के साथ।
इस घर का खुली भाग के बदलने वाला है। ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो।